सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 बोल सोया चंक्स, इनको हमें बॉईल कर लेना है। गैस पर एक पैन रखकर गरम करें, उसमें पानी डालकर बॉईल करें और 2-3 मिनट्स के लिए सोया चंक्स को डालकर बॉईल कर लें। फ्लेम को हाई रखना है और जैसे ही इसमें बॉईल आए वैसे ही समझ लीजिए कि ये बॉईल हो चुकी हैं। इनको चेक कर लें, अगर ये सॉफ्ट हो गई हैं तो हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए इनका। और आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट हो गई हैं, यानी ये बॉईल हो चुकी हैं। अब हम इनको ग्राइंडर में डालकर 1-2 सेकेंड के लिए ग्राइंड कर लेंगे। और इस तरह से देखिए ग्राइंड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है वरना इनका पेस्ट बन जाएगा। अब गैस ऑन करके उस पर एक पैन रखें और पैन के गर्म होने पर उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालें। इसमें हम बहुत कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमें फ्राई करना है सोया चंक्स को। अगर आप ज़्यादा ऑयल भी डालेंगे तो भी ये सोया चंक्स उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगी, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रेसिपी में ऑयल कम लगे, इसलिए बहुत थोड़ा ही ऑयल डाला है मैंने। अब इनको अच्छी तरह 3-4 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेना है। अब ये फ्राई हो चुकी हैं, अब हम पैन को दोबारा से चढ़ाएंगे गैस पे और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें डाल रहे हैं भिंडी, ये 1/2 kg भिंडी हैं, इनको मैंने धोकर काट लिया है। इन भिंडियों को हमें फ्राई करना है। भिंडी की सब्ज़ी बनाते टाइम एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम जो मोस्टली लोगों को फेस करनी पड़ती है कि जब हम भिंडी को चलाते हैं तो उसमें एक स्टिकीनेस आ जाती है, वो चिपचिपी सी हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आप 1/2 लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं भिंडी बनाते टाइम। यहाँ मैं 1/2 kg भिंडी यूज़ कर रही हूँ तो मैं 1/2 लेमन जूस यूज़ करूँगी। अगर आप ज़्यादा भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो लेमन जूस की क्वांटिटी उस हिसाब से रखिए। और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में जो स्टिकीनेस है जो आपको भी नज़र आ रही है, ये बस 1-2 सेकंड में ही एकदम गायब हो जाएगी, जिससे दिखने में भिंडी बहुत अच्छी लगती हैं। अदरवाइज़ अगर ये चिपकी चिपकी से नज़र आती हैं तो बहुत ही अजीब सी लगती हैं देखने में। अगर कोई सब्ज़ी देखने में ही अच्छी नहीं लग रही तो आपका उसको खाने का मन मुश्किल से ही करेगा। अब फिर से हमें गैस पर पैन चढ़ाना है और उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है, ऑयल को गर्म करना है। और यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज, अनियन, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा क्यूमिन सीड्स एंड 1/4 टेबल स्पून अजवाइन। इसको हमें फ्राई कर लेना है। प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप्ड किए हुए, इसमें से बीज मैंने अलग कर दिए हैं। कोशिश कीजिएगा जब भी आप अपनी सब्ज़ी में टमाटर यूज़ करें तो उसके बीज ना यूज़ करें, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए। टू थ्री मिनट्स के लिए टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं 3 हरी मिर्च कटी हुई। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि जो भी हम मसाले इसमें डालने वाले हैं वो जले नहीं, क्योंकि गैस ऑन है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। नमक और लाल मिर्च आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे इसमें और मसालों को फ्राई होने देंगे। मसालों को फ्राई होने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और आप देख सकते हैं मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये फ्राई की हुई भिंडी। और फ्राई किए हुए सोया चंक्स।
अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे, पैन पर लिड लगाकर 4 to 5 मिनट्स के लिए इसको पकने देंगे। 4 to 5 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं ये लुक वाइज कुछ इस तरह का नज़र आएगा। भिंडियाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं, पक गई हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। ये होममेड फ्रेश क्रीम है, आप चाहें तो अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से सब्ज़ी को मिक्स कर लें, गैस को बंद कर दें। हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार है, मसालेदार भिंडी विद सोया चंक्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस भिंडी की सब्ज़ी को बनाना कितना आसान था। मैंने कोशिश की है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही कॉमन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाएं, जो कि यूजुअली हमारे इंडियन किचन में बहुत इजीली मिल जाते हैं, ताकि जो भी कुकिंग बिगनर्स हैं उनको इस रेसिपी को बनाने में बहुत आसानी हो। फ्रेंड्स, ये रेसिपी टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छी होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आप मिस ना करें। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय।